दोस्तों, 1 फरवरी को जो 2018-19 का जो बजट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, और ये न्यूज़ है 2 फरवरी की टाइम्स ऑफ इंडिया के। ठीक है गाइस, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ के अनुसार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनकम टैक्स के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, और गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन जो करंटली चल रहे हैं उसके बारे में, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो अभी क्या है कि आईटी विल टैक्स बिटकॉइन ट्रेड हैज़ इश्यूड फ्यू लैक नोटिस, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट जो है उसने अभी जो 11 एक्सचेंज थे दिसंबर में इंडिया के, जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते थे, क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग करते थे, वो वहाँ से जितने भी जो कस्टमर हैं उनके 11 जो टॉप एक्सचेंज है, मेन मैं आपको जो बता रहा हूँ, यूनो कॉइन हो गया, जेपे हो गया, कॉइन सिक्योर हो गया, तो इनमें से जितने भी इनके कस्टमर थे उन सभी का केवाईसी ऑलरेडी हो चुका है, और वहाँ पर जो लोग ट्रेडिंग कर चुके थे या ट्रेडिंग कर रहे थे, या जिन्होंने बिटकॉइन में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था उससे उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, और उस पर उन्होंने टैक्स दिया है कि नहीं दिया है, उनका पैन कार्ड वेरिफिकेशन, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डाटा है टोटल, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वहाँ से कलेक्ट कर दिया गया, और जो भी उसमें लोग हैं यानी कि जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस सेंड कर रहा है और उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी ने कहा है अपने बजट के दौरान, जो स्पीच दी है उसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला है कि क्रिप्टो करेंसी एंड अदर क्रिप्टो करेंसी आर इलीगल। ठीक है, सेकेंड जो स्पीच थी उसमें क्या है कि गवर्नमेंट विल टेक मेजर्स टू एलिमिनेट द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि गवर्नमेंट क्या है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी प्रचलित हैं बाज़ार में या कंट्री वाइज, उनको दूर करने का जो उपाय है उस पर विचार करेगी। ठीक है गाइस, अभी क्या है कि इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है इन्होंने फ्यू लाख नोटिस जारी किए हैं, नोटिस उन लोगों को जारी किए हैं जिन लोगों ने बिटकॉइन में पैसा लगाया है और उन्होंने टैक्स पे नहीं किया उसके ऊपर। ठीक है, और जो भी फंड उन्होंने बिटकॉइन में लगाया है वहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्स तो देना पड़ेगा, सीबीडीटी के जो चीफ हैं उन्होंने बोला है। सीबीडीटी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम सुशील चंद्रा जी है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है और उस टैक्स से बचने के लिए जो भी पैसा है उन्होंने एक्सचेंज के अंदर जो लगाया है वहाँ से कितना उन्होंने एक्सचेंज के अंदर लगाया है और उनके पैन कार्ड को देखते हुए, पिछले बैंक रिकॉर्ड को देखते हुए उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा, और उन्होंने जो पैसा लगाया है उससे कितना उनको प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर भी उनको टैक्स देना पड़ेगा, या ऑलरेडी उन्होंने पहले टैक्स आईटीआर फाइल किया है कि नहीं उस पर्टिकुलर अकाउंट से। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स जो भी है आईटी का, उन्होंने जो पैन इंडिया सर्वे है वो सभी एक्सचेंजों के ऊपर छापा मारा गया है, उसके द्वारा उन लोगों की पहचान की गई है जो लोग टैक्स से बचने के लिए जो भी उनकी कमाई है यानी कि ब्लैक मनी मैक्सिमम, उसको उन्होंने बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया है, और बिटकॉइन में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने कितना पैसा उन एक्सचेंजों को दिया गया है तो उससे टैक्स वसूल किया जाएगा। ठीक है, और अभी क्या है कि जो भी अपने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने बजट की स्पीच में कल यह बोला है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन आर इलीगल एंड द गवर्नमेंट विल टेक मेजर टू एलिमिनेट देयर यूज़, यानी कि इस खबर का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि जो भी उन्होंने स्पीच दी है इंग्लिश में, जो उन्होंने स्पीच दी उसका हिंदी में मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है उसका जो एक एक वर्ड है उनका। उन्होंने ये बोला है कि जितने भी बिटकॉइन और इससे रिलेटेड करेंसी वो सब इलीगल है। ठीक है, और गवर्नमेंट विल टेक ऑल मेजर्स टू एलिमिनेट देयर यूज, यानी कि जैसे अभी खबर आई थी मुंबई में, बेंगलोर में, कई जगह पर होटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया बिटकॉइन को यूज़ कर रहे थे एज ए पेमेंट मोड ऑफ गेटवे, यानी कि बिटकॉइन आप देख करके वहाँ पे होटल में खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं, और फूड वगैरह जो भी आपको शॉपिंग वगैरह करना है वो कर सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इस तरह की जो करेंसी से काम किया जा रहा है उसको वो एलिमिनेट करेंगे, उसका जो पर्टिकुलर है यूज़। ठीक है,
दूसरा ये है, मिस्टर चंद्रा जी ने ये बोला है कि जो डिपार्टमेंट है इनका टैक्स का, जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करेगा, और इनका जो टारगेट है अगले फाइनेंशियल ईयर का 9.8 लाख करोड़ का जो टारगेट है वो ये वसूल करेंगे, जो भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसके द्वारा भी जो टैक्स है वो इसके दायरे में आएगा। तो आईटी डिपार्टमेंट का जो व्यू है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और सीबीडीटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यह बोला है कि आईटी डिपार्टमेंट हैज़ ए टारगेट टू कलेक्ट 9.8 लाख करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स बाय द एंड ऑफ द फिस्कल मार्च 31, यानी कि अगले साल 31 मार्च से पहले इनका जो टारगेट है वो इनको पूरा करना है 9.8 लाख करोड़ का, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ सोचने वाली ये है यहाँ पर कि अगर हम बिटकॉइन की ट्रेडिंग को इलीगल करते हैं तो गाइस बिटकॉइन इंटरनेशनली चल रहा है, टॉप वर्ल्ड के जो टॉप कंट्री है उनमें लीगल हो चुका है, ठीक है, और इंटरनेशनल करेंसी बन चुकी है, डॉलर्स को मात दे चुकी है करेंसी, ठीक है। और अगर इंडिया में इसको इलीगल करते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट अपने जो टैक्स इनको मिलना चाहिए था उससे हाथ धो बैठेगी, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट को वो टैक्स नहीं मिल पाएगा, और गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करने का जो टारगेट है 1 साल का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर ये इसके ऊपर टैक्स इम्पोज करते हैं बिटकॉइन ट्रेडर्स के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर, कि आप ठीक है ट्रेडिंग कीजिए जितना आपको करना है, लेकिन आपको उसके अनुसार जो फ्रेम बनाए गए हैं टैक्स पे करना होगा, तो करिए ना, किसने रोका है, आप ट्रेडिंग करिए दिल खोल के करिए, लेकिन आपको टैक्स देना है, गवर्नमेंट को बताना है कि आपने कितने रुपए लगाए, कितना प्रॉफिट हुआ, और बिटकॉइन टू आईएनआर, आईएनआर टू बिटकॉइन आपने कितना कन्वर्ट किया है, और वो आपका वाइट मनी में काउंटिंग होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो इस तरह के रूल रेगुलेशन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, और ऑलरेडी उसके ऊपर कमेटी बैठी हुई है, ठीक है गाइस। तो इससे ज़्यादा जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो छापा मारा गया है वो किसके अनुसार मारा गया है। जितनी भी जो बिटकॉइन एक्सचेंज थी 11, उन पे छापा मारा गया है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है 133A, 133 सेक्शन 133A के अंतर्गत वो छापा मारा गया है। इसके अंतर्गत ये आता है कि छापा मारने का मेन उद्देश्य उन इन्वेस्टर की जानकारी आइडेंटिफाई करना है और उन ट्रेडर्स के बारे में पता लगाना है जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, यानी आईएनआर टू बीटीसी, बीटीसी टू आईएनआर ट्रांजैक्शन किया है, और इनसे रिलेटेड उन्होंने जो पैसा लगाया है वो कहाँ से लगाया है, और उनसे रिलेटेड जितने भी उनके जो बैंक अकाउंट हैं उन अकाउंटों से उन्होंने आईटीआर फाइल किया है कि नहीं, टैक्स फाइल किया है कि नहीं, या टैक्स से बचने के लिए उन्होंने सारा बीटीसी में लगा दिया है। तो ऐसे इन्वेस्टर की पहचान कर ली गई है, और उन्होंने अभी खुलासा नहीं किया है। कुछ लाख लोग हैं इंडिया में जो इनकम टैक्स के दायरे में आ गए हैं, और इनकम टैक्स ने उनको ऑलरेडी नोटिस दे दिया है, और सबसे खुशी वाली बात यह है कि सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ उन्होंने जो टैक्स है वो दिया नहीं है, अब वो टैक्स देने के लिए राजी हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो अर्निंग है वो वाइट अर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगी और वो टैक्स दे देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ट्रेडिंग कीजिए टैक्स दीजिए। तो इस तरह के रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, नेक्स्ट 2 महीने के अंदर अंदर संभावनाएं हैं पूरी पूरी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो डिक्लेयर हो जाएगी बिटकॉइन के बारे में, ठीक है गाइस। तो इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो आरबीआई है उन्होंने किसी भी वर्चुअल करेंसी को मान्यता नहीं दी है, ठीक है, और किसी भी करेंसी को उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया है, और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी गाइडलाइन जारी किया जाएगा और लोगों को अवेयरनेस भी दी जाएगी कि वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से आप सतर्क रहें, और जितने भी पूंजी स्कीम चल रही हैं वो देर पूंजी स्कीम विद नो लीगल टेंडर एंड प्रोटेक्शन, जितनी भी पूंजी स्कीम चल रही बिटकॉइन के द्वारा उनका कोई लीगल टेंडर नहीं है और वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जस्ट लाइक शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में थोड़ा प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं किसी भी पूंजी स्कीम में अपना बीटीसी लगाते हैं और कोई भी लीगल टेंडर और
प्रोटेक्शन, इसमें कोई भी लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टैंड नहीं करेगी अगर आपका पैसा डूब गया तो। नो लीगल टेंडर एंड प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी बात यह है इसमें। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हुई होगी गाइस, और जितने भी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है आने वाले टाइम में आपको टाइम टू टाइम बता दी जाएगी। तो कृपया करके इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी गाइस। ओके गाइस।